लास्ट क्लास में आपकी थर्ड यूनिट चल रही थी, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपका ब्लड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, प्लाज्मा हो गया था। प्लाज्मा की प्रोटीन्स बताई थी कि कौन कौन सा क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। अब ब्लड सेल्स चल रही थी कि ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी हो गया था कि आरबीसी कैसी होती है, फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होता है, ठीक है। आज आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है आपका बॉडी में, ठीक है। हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। ओके, लिखो हीमोग्लोबिन, HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबिन, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबिन, GLOBIN, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबिन एंड एन आयरन, कंटेनिंग सब्सटेंस एन आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस कॉल्ड हीम HAEM हीम, एंड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड डेवलपिंग इलेक्ट्रोसाइट्स इन रेड बोन मैरो। अब क्या लिखा है आपने, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है, जो कंसिस्टिंग जो बना हुआ होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, एंड ग्लोबिन एंड आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंटेनिंग सब्सटेंस कॉल्ड हीम, जो कंटेनिंग ग्लोबिन और आयरन से मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या बोलते हो, हीम बोलते हो, ठीक है, HAEM हीम, एंड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड डेवलपिंग इलेक्ट्रोसाइट। ये सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है, इनसाइड, जो आपकी डेवलप कर रही है इलेक्ट्रोसाइट। इलेक्ट्रोसाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं आपकी, आरबीसी, ठीक है, डेवलप, जो आपकी आरबीसी डेवलप हो रही है उसके अंदर ये सिंथेसाइज्ड होता है इन रेड बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो हीमोग्लोबिन इन मैच्योर इरेट्रोसाइट्स, ये अलग अलग वर्ड है, इन मीन्स में और मैच्योर MATURE मैच्योर इरेट्रोसाइट्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, इरेट्रोसाइट्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सी OXY HAEMOGLOBIN,
ऑक्सीहीमोग्लोबिन गिविंग आर्ट्रियल ब्लड गिविंग आर्ट्रियल ARTERIAL आर्ट्रियल जो आपकी आर्टरीज होती है आर्ट्रियल ब्लड इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर हीमोग्लोबिन क्या होता है मेच्योर होता है ठीक है मेच्योर में एरिथ्रोसाइट में कंबाइन क्या करता है हीमोग्लोबिन मेच्योर एरिथ्रोसाइट के साथ क्या करता है कंबाइन करके विद और कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है जो आपका क्या करता है आर्टियल ब्लड होता है गिविंग आपको आर्टियल ब्लड देता है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है रेड कलर ठीक है जो कैसे दिखाई देता है आपको रेड कलर आपको पहले बताया था पहली क्लास में बताया था जो आपका एरिथ्रोसाइट्स होती है रेड ब्लड सेल्स होती हैं आपकी रेड इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ठीक है आया समझ में यस मैम नेक्स्ट लाइन में लिखो इन दिस वे द बल्क ऑफ ऑक्सीजन इन दिस वे द बल्क ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी to maintain a continuous oxygen supply to all cells क्या है बल्क ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब जो आपकी इस रास्ते में क्या है कि बल्क मीन्स होते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द लंग्स क्योंकि आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को तो वो आपको कहाँ से मिलती है लंग्स का काम क्या होता है ऑक्सीजन को मतलब जो ऑक्सीजन आ रही है उससे आपका क्या होता है डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में उसको क्या करता है प्यूरिफाई करता है ठीक है इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी और मेंटेन क्या करता है कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करता है अदर जो भी और सेल्स हैं आपकी बॉडी में उसको पहुंचाता है ठीक है जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है लंग्स ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखो Hemoglobin is also involved to a lesser extent extent in the transport of carbon dioxide from the body cells to the lungs for excretion नेक्स्ट लाइन में लिखो
हीमोग्लोबिन को पूरा कंप्लीट ना लिखे आप शॉर्ट फॉर्म में HB भी लिख सकते हो, HB, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन, कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन। ईच एटम कैन कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ईच एटम कैन कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका एक हीमोग्लोबिन प्रत्येक मतलब एवरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, 4 एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, 4 एटम्स ऑफ आयरन से बना होता है। ईच एटम कैन कैरी, जो आपका एवरी एटम क्या करता है, कैरी करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ईच मॉलिक्यूल मतलब ईच हीमोग्लोबिन के साथ आपका क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। देयरफॉर वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो आपके आयरन के साथ 4 एटम्स आयरन अटैच हैं वन हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आयरन का एवरी एटम ऑफ आयरन क्या कैरी करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ आपके कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऑक्सीजन के, कितने जा रहे हैं, 4, ठीक है, 4 जा रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी इज अबाउट 14.5 ग्राम्स, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी इज अबाउट 14.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, 14.5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। द एवरेज नॉर्मल वैल्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट कंटेंट इन मेल्स इन मेल्स 13.5 to 17.5 grams per deciliter, and females are 12 to 15.5 grams per deciliter, ठीक है। और 1 liter इक्वल टू कितना होता है, कितने डेसीलीटर्स होते हैं, किसी को पता है, 1 liter इक्वल टू
हाउ मैनी डेसीलीटर्स? 10 डेसीलीटर्स। टेन हो? ठीक है, 10 डेसीलीटर्स होता है। ठीक है, फंक्शंस लिखो, फंक्शंस लिखो इसके, हीमोग्लोबिन के। फर्स्ट फंक्शन लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, सेकेंड लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, हीमोग्लोबिन, एज ए सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, BILIRUBIN, बिलिरुबिन। ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो आपके सिलेबस में हीमोपोइसिस लिखा है, हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस सेम होता है। ठीक है, वही चीज लिखनी है आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट सेल है आपकी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। LUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स। इसमें लिखो, WBCR कलरलेस, कलरलेस सेल्स कंटेनिंग एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है? WBC कलरलेस है। RBC में कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती है और ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और RBC में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दे हैव नो हीमोग्लोबिन इन द साइटोप्लाज्म, दे आर लार्जर देन RBCs, रेड ब्लड सेल्स। क्या होती है इसमें? हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। ठीक है, और ये लार्जर देन RBC, मतलब ये बड़ी होती है RBC से। ठीक है, दे आर अबाउट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दे आर अबाउट 8 to 15 microns, in diameter. There are 4,000 to 9,000. WBCs, white blood cells, in one cubic millimeter of blood,
देयर आर 4000 टू 9000 डब्ल्यूबीसीज इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. द रेशियो बिटवीन आरबीसी, द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज, द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज 600:1. आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज 600:1. ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आरबीसी सेल्स रेड ब्लड सेल्स से बड़ी होती है. ठीक है, अगर आरबीसी कितनी है 600 है तो ये 8 होगी. ठीक है, मतलब ये साइज में बड़ी होती है, इसलिए ये कंपैरिजन में आरबीसी अगर ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो ये एक ही कंपैरिजन में बराबर है उसके. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दीज सेल्स हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. दीज सेल्स हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन डिफेंडिंग, डी ई एफ ई एन डी आई एन जी, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स. इम्पोर्टेंट फंक्शन इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड अदर फॉरन मटीरियल्स, एंड अदर फॉरन मटीरियल्स. White blood cells are the largest blood cell. White blood cells are the largest blood cells, and they account for 1% of blood volume. They account for about 1% of blood volume. इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन याद रखना, जो भी आपकी अगेंस्ट या इम्यूनिटी होती है, या फिर अगर आप क्या करते हो अगेंस्ट माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो काम करती है आपकी ब्लड सेल, वो कौन सी करती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या करता है, क्या है, बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स डिफेंड करता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है. ठीक है, अगर आप जैसे किसी किसी को आदत होती है ना नेल्स खाने की, तो ये आदत अच्छी भी है. ठीक है, कहीं ना कहीं ये आदत अच्छी भी होती है. क्यों क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि आपके आपको दिखाई देते हैं आपके नेल साफ है, आपके कोटिंग साफ है, बट उसमें क्या होता है कुछ कहीं ना कहीं माइक्रोब्स, कुछ ना कुछ तो जर्म्स वगैरह, कुछ ना कुछ तो अटैच होंगे ना. आप ऐसे तो नहीं कि हर टाइम आप धुलते रहते होंगे अपने हाथ या नेल्स वगैरह. ठीक है, जो आप नेल्स मतलब बाइट करते हो तो वो आपके कुछ पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, आप खा लेते हो तो आप निगल लेते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट काम करती हैं. ठीक है, वो उसके जो आपके एंटर हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब डब्ल्यूबीसी तैयार रहती हैं कि हमें हाँ कुछ एंटर हुआ है तो हम उसका अगेंस्ट काम करेंगे. ठीक है, तो वो वहाँ पे बचा देता है. ठीक है, डब्ल्यूबीसी उसके अगेंस्ट काम कर देता है, मतलब जो नेल्स, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि नेल्स खाओ, बट ये कि अगर किसी को आदत है तो मतलब ऐसे नहीं कि तुम प्रॉपर खाओ ही, पर कहीं ना कहीं पे ये अच्छी बात होती है कि आप खा रहे हो तो मतलब डब्ल्यूबीसी काम कर रही है उसकी, कि उसको माइक्रोब्स के माइक्रोब्स से बचा रही है. ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट काम करती है. ठीक है, माइक्रोब्स तो आप कहीं से भी इनहेल कर सकते हो. ठीक है, कहीं से भी, मतलब क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी आपका इम्यूनिटी में हेल्प करती है. ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती है. ठीक है,
ये तो मैंने ओनली एग्जाम्पल बताया है कि आप अगर वो बता मतलब खाते हो तो वो डायरेक्ट मतलब चला जाता है आपके, बट वहाँ पे काम कौन करता है? WBC. WBC बचाती है आपको उन माइक्रोब्स या जंप से. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC. नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC. क्लासिफिकेशन ऑफ WBC. फर्स्ट क्लास लिखो ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स GRANULOCYTES. ग्रेनुलोसाइट्स में सेल्स हैं, सब टाइप हैं. न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स NEUTROPHILS, न्यूट्रोफिल्स कोमा इसिनोफिल्स EOSINOPHILS. इसिनोफिल्स सेक थर्ड है बेसोफिल्स BASOPHILS. बेसोफिल्स. सेकेंड लिखो ए ग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट के आगे ए लगाना है. ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट. इसमें ये दो टाइप की होती हैं, मोनोसाइट्स MONOCYTES मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट LYMPHOCYTES लिम्फोसाइट्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन मेन दो होते हैं. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स. ठीक है, एग्रेनुलोसाइट आपके दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ठीक है, अगर आपने कभी टेस्ट कराया होगा ब्लड का, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब WBC का टेस्ट होता है तो उसमें बताते हैं कि आपकी कौन सी सेल कितनी कम है. देखा है कभी किसी ने? वहां पे लिखा होता है आपकी न्यूट्रोफिल्स कम हो रही है, बेसोफिल्स कम हो रही है. ठीक है, ये सब उसमें दिया हुआ होता है. ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स GRANULOCYTES ग्रेनुलोसाइट्स. इसमें लिखो दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ग्रेनुल्स. दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म. Have granules in the cytoplasm. They have a nucleus. They have a nucleus which contains. They have a nucleus which contains two or more lobes. They have a nucleus which contains two or more lobes. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स वो WBC होती है, मतलब वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे हैव ए न्यूक्लियस, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है और विच कंटेन्स टू और मोर लोब्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा आपके लोब्स होते हैं. ठीक है,
फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, सब टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स के, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का दूसरा मैम नाम है लोब्स का मीनिंग क्या होगा? किसका? जो लास्ट में बोले ना कंटेन टू और मोर, मोर लोब, LOBES, लोब। लोब मीन्स दो पार्ट, जैसे एक हाथ ये है, ठीक है, ये अलग पार्ट है और एक ये अलग पार्ट है, तो ये लोब हो गया, ठीक है। सेकंड लिखो न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट हेडिंग डालो न्यूट्रोफिल्स, और इसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ, POLYMORPHS, पॉलीमॉर्फ। इसमें लिखो दे कंटेन ग्रेनुलर GRANULAR, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म विच स्टेन STAINS, स्टेन विथ न्यूट्रल डाई, स्टेन विथ न्यूट्रल डाई। द न्यूक्लियस मे कंटेन 2 to 5 lobes, 2 to 5 lobe, LOBES, lobes। ब्रैकेट में लिखो like a chain of beads, ब्रैकेट बंद। न्यूट्रोफिल्स अकर टू द extent, EXTENT, extent of 65 to 70%, occur to the extent of 65 to 70% of total WBC, of 65 to 70% of total WBC। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? पॉलीमॉर्फ, ठीक है। ये कैसे बनी होती है? ग्रेनुलर ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है, स्टेन्स, जैसे आपके साइटोप्लाज्म में जैसे आपके ग्रेनुल्स कुछ कुछ मतलब डला हुआ दिखाई देता है आपको, ठीक है। द न्यूक्लियस में कंटेन, जो आप राउंड ही होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी सेल होती है उसी टाइप के होते हैं। आपको मैंने एक वो भेजी थी, स्ट्रक्चर भेजी थी ना, उसमें ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह के वो दिखाई दिए थे, या फिर उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 to 5 lobes में डिवाइड होता है, जैसे आपका बीड्स, एक चैन में बीड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो इसिनोफिल्स, EOSINOPHILS, इसिनोफिल्स। इनकी शेप राउंड ही होती है, बट इसमें थोड़ा सा बस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसिनोफिल्स का दूसरा नाम है एसिडोफिल, ACIDOPHILS, इसिनोफिल्स का दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। These cells are slightly larger than neutrophils. These cells are larger than
न्यूट्रोफिल्स, द ग्रेनुल्स आर कोरस एंड क्लोजली पैक्ड. द ग्रेनुल्स आर कोरस एंड क्लोजली पैक्ड. These granules take up acidic stain normal eosinophil count is 2 to 4% of normal eosinophil count is 2 to 4% of total WBCs. Normal eosinophil count is 2 to 4% of total WBC. ये eosinophils क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स से, ठीक है. और जो इसमें ग्रेनुल्स होते हैं वो कोरस होता है, कोरस टाइप का. जो वैसे तो आपको कोरस नेक्स्ट उसमें पढ़ना है, बट आपको बता देती हूँ, एक फाइन होता है और एक होता है कोरस होता है. कोरस आप जैसे पाउडर की एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है. कोरस वो होता है जैसे आपका नमक होता है, ठीक है, उसमें दानेदार होते हैं, है फाइन, मतलब है बारीक, बट वो कोरस दानेदार होता है. और फाइन होता है, ठीक है, वो होता है जो कैल्कम पाउडर, जो आप पाउडर यूज करते हो, ठीक है, जो उसमें थोड़ा मतलब बहुत बारीक पाउडर है, बट आपको उसमें दानेदार फील नहीं हो रहा है, ठीक है. कोरस होता है ग्रेनुल्स, बहुत ज़्यादा कोरस होते हैं और क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है. जो ग्रेनुल्स होते हैं वो एसिडिक स्टेन होते हैं, ठीक है. नॉर्मल इसिनोफिल्स काउंट आपकी 2 to 4% ऑफ टोटल WBC, ठीक है. 2 to 4% आपके टोटल WBC में इतने इसिनोफिल्स होंगे, ठीक है. थर्ड लिखो बेसोफिल्स. थर्ड ग्रेनुलोसाइट का सब टाइप है बेसोफिल्स. इसका दूसरा नाम है मस सेल, MAST, मस सेल्स. इसमें लिखो दे कंटेन कोरस ग्रेनुल्स एज इन इसिनोफिल्स. दे कंटेन कोरस ग्रेनुल्स एज इन इसिनोफिल्स, बट दीज ग्रेनुल्स स्टेन ब्लू विद बेसिक डाइज. बट दीज ग्रेनुल्स स्टेन ब्लू विद बेसिक डाइज. द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड. द न्यूक्लियस इज किडनी शेप और लोब्यूल. The basophil contains heparin, histamine, H-E-P-A-R-I-N, heparin, histamine, H-I-S-T-A-M-I-N-E, histamine, and 5-hydroxytryptamine, TRYPTAMINE, 5-hydroxytryptamine, ठीक है. बेसोफिल्स का दूसरा नाम है मस सेल, ठीक है. ये कंटेन कैसे होते हैं, ये भी कोरस ग्रेनुल्स होते हैं जैसे आपके सिनोफिल्स में होते हैं, बट ये ग्रेनुल्स स्टेन
स्टेन जो ग्रेनुल्स देते हैं वो विद बेसिक डाइस के साथ देते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज किडनी शेप, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। किडनी आपकी कैसी होती है, कौन से शेप की होती है आपकी किडनी? किडनी आपकी कौन से शेप की होती है? कन्वीन्स डीन शेप की होती है, ठीक है। द बेसोफिल्स कंटेन हेपारिन, जो आपके बेसोफिल्स होते हैं उसमें हेपारिन प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन और 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। मतलब ये क्या होते हैं, एक टाइप के ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हिस्टामिन आपका और ये 5-एसटी, ये सब हिस्टामिन आपका एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और 5-हाइड्रोक्सी आपका हैप्पी हॉर्मोन वो होता है, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और एग्रेनुलोसाइट्स रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। समझ में आया जो मैंने आपको बताया? और मैं इसकी जो आप अभी आप बोल रहे हो कि आपको इनकी शेप नहीं यस पता सर। कि कैसी है, तो मैं आपको भेज दूंगी उसकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके हाँ, ओके मैम। यस मैम। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? कौन सी स्टेम सेल से, कौन सी स्टेम सेल से बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है बेटा? हाँ मैम माइलोइड स्टेम सेल से मिलती है ना मैम। किसकी बात कर रहे हो? ये प्लूरिपोटेंट स्टेम मैम सेल्स, मस्त सेल की मैम मस्त। मस सेल्स, यस मैम। मस सेल्स तो डब्ल्यूबीसी का यस पार्ट मैम। है। मतलब मस सेल बेसोफिल को बोलते हैं मस सेल, जी मैम जी। अच्छा बेसोफिल को मस सेल बोलते हैं, दूसरा नाम है बेसोफिल का मस सेल, ठीक है। और ये आपकी जो एलर्जी होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे आपका भी इंसेक्ट बाइट करेगा तो वहां पे क्या होंगे, हिस्टामिन रिलीज हो जाएंगे, तो वहां पे कौन सी सेल काम कर रही है, बेसोफिल, ठीक है। मैम। हाँ आपका जैसे, ठीक है, आए समझ में? ठीक यस मैम। है, जी। जैसे आपकी हो दिवाली की छुट्टी पड़ रही है, ठीक है, दिवाली की ओके मैम। छुट्टी, हाँ परसों शायद, पता नहीं अभी मे भी, अगर छुट्टी नहीं हुई तो परसों आपकी मैम क्लास, धनतेरस के लिए है। सुनो अच्छा पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर परसों मतलब कल तो आपका, कल के दिन तो आपका है का लेक्चर नहीं होता है, अगर परसों छुट्टी नहीं हुई तो आपका लेक्चर होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको इन एडवांस में आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो वो आप मुझे बता देना कि कब तक आप मुझे सबमिट करोगे। असाइनमेंट है, हो चुका है वो असाइनमेंट, बट आपको मुझे वो अच्छा सा बना के, कलरफुल बना के, ठीक है, वो मुझे सेंड करना है, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ के लोकल बच्चे हैं, ठीक है, जो अगर कोई रुड़की का है, कोई सहारनपुर के आसपास का है, ठीक है, अगर कोई दूर का है तो वो, तो उस उन बच्चों को नहीं भी बोल रही हूँ कि अगर कोई रुड़की का है, रुड़की के आसपास का है, सहारनपुर का है, तो वो बच्चे मुझे कॉलेज में सबमिट करेंगे वो असाइनमेंट बना के, ठीक है। पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर उसका नाम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए और उसका टॉपिक का नाम होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है मैम? अभी शायद मतलब लास्ट उसमें पता लग जाएगा, लास्ट उसमें दिवाली के बाद पता चल जाएगा कब से होंगी, ठीक है। आपको जो थैंक यू असाइनमेंट, मैम। हाँ
असाइनमेंट बनाना है वो नोट कर लो, कौन सा असाइनमेंट बनाना है। यूनिट सेकंड में यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट स्केलेटल सिस्टम, यूनिट सेकंड का स्केलेटल सिस्टम पूरा, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम ओनली, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट का टिश्यू, यूनिट सेकंड का स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर और यूनिट फर्स्ट का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका असाइनमेंट आप मुझे 21 तारीख तक सबमिट कर देना, सैटरडे तक, नेक्स्ट वीक सैटरडे होता है ना टाइम। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट वैसे तो होता है आपका, मतलब कि हम आपको असाइनमेंट देते हैं, आप उसकी नोट्स बना के हमें सबमिट करोगे, ठीक है। बुक में से बनाओ, कहीं से भी बनाओ, वो आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लाइक मैम प्रोग्राम लेकिन जैसे आप